नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक 56 से पाठ क्रमांक 2 फसलों के त्यौहार पाठ को लिखे आया हूँ। बहुत ही अच्छा और रोचक है लेख है ये, बहुत अच्छा। इस पाठ से संबंधित आपने बच्चों को सारी जानकारियाँ दी हैं। हम समझते हैं कि ये पाठ आपने बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है, और इस पाठ से संबंधित और भी जानकारी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और त्यौहारों के नाम, त्यौहारों के बारे में आपने सब बच्चों को पूरी जानकारी दी है। आज आप बच्चों का पुनर्ध्यान कराना चाहते हैं। पुनर्ध्यान कराने के लिए हम यहाँ पर एक नवाचार क्रियान्वित करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जान लेते हैं कि आप जब बच्चों का अटेंडेंस लगाते हो, जो कि आपका प्रतिदिन का काम है, इसमें आप उपस्थिति दर्ज करने के लिए आप अनुक्रमांक बोलते हो, बच्चा खड़ा होता है, खड़े होते बोलता है यस सर, यस मैम, और बोल के बैठ जाता है, जय हिंद, जय भारत बोल के बैठ जाता है। क्या कुछ वो नया सीखता है? नहीं, बच्चा कुछ भी नया नहीं सीखता और बोल के और बैठ जाता है। अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि हम एक ऐसे नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जिससे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर रुचि देखने को मिलती है, बच्चे रोचकता से इसको पढ़ते भी हैं, समझते हैं, और इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि बच्चों का पुनर्ध्यान भी होता है और बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज होती है तो कितना अच्छा हो। हम यहाँ पर एक नवाचार की बात कर रहे हैं। हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति, थीम बेस्ड अटेंडेंस। बहुत ही अच्छा और ऊर्जावान नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक वाक्य, एक संख्या बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथ ही पुनर्ध्यान करने के लिए नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखा जाता है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के क्रियान्वयन में 15 मिनट के समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के क्रियान्वयन के लिए बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है, इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही पुनर्ध्यान करने के लिए नवाचार तो बहुत अच्छा है ही, और किसी बच्चे को अगर उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों हमारा जो पाठ है फसलों के त्यौहार, इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा, आज हम इसका पुनर्ध्यान करेंगे। अभी तक आप उपस्थिति करने के लिए, दर्ज कराने के लिए यस सर, यस मैम, जय हिंद, जय भारत बोल के और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप अपनी उपस्थिति, हम आपको एक थीम देंगे। मान लीजिए हमने आपको थीम दी है त्यौहार, यानी जो हमने पाठ पढ़ा था फसलों के त्यौहार, इसमें जो भी त्यौहारों के नाम आए हैं, किसी भी आप एक त्यौहार का नाम बता के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विभिन्न प्रकार के त्योहारों के नाम बता के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो बच्चों को भी रोचक लगता है, शिक्षक बोलते चलिए हम इसको गतिविधि को आरंभ करते हैं, गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं। रोल नंबर 1, बच्चा खड़ा होता है, खड़े होते हुए बोलता है पोंगल, और बोलकर बच्चा बैठ जाता है। आप चाहें तो बच्चे से इससे संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चा खड़े होकर विभिन्न प्रकार के त्योहारों से संबंधित कोई भी एक जानकारी आप पूछना चाहें तो पूछकर आप उसकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से बच्चे अपने आप को ऊर्जावानी महसूस करते हैं। खड़े होकर जवाब देने से बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का ही विकास होता है। तो बहुत ही रोचक नवाचार है ये, आप इसको अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से NCERT बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक 5 से पाठ क्रमांक 2 फसलों के त्यौहार पाठ का पुनर्ध्यान अपने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से किया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नोबिटी पार्सल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।